कार से उतरकर भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचे नौजवान बिजनेसमैन ने पूछा, डॉक्टर अब कैसी है माँ? हाफते हुए उसने पूछा, अब ठीक है, है ना? माइनर स्ट्रोक था, ये बुजुर्ग लोग इन्हें सही समय पर ले आए वरना कुछ बुरा भी हो सकता था। डॉक्टर ने पीछे बेंच पर बैठे दो बुजुर्गों की तरफ इशारा करके जवाब दिया, रिसेप्शन से फॉर्म इत्यादि की फॉर्मेलिटी करनी है, अब आपको और उसे आदेश दिया कि वो आगे बढ़कर वो कर ले। थैंक यू डॉक्टर साहब, वो सब काम मेरी सेक्रेटरी कर रही है। अब वो रिलैक्स था, फिर उन बुजुर्गों की तरफ मुड़ा, थैंक्स अंकल, पर मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। सही कह रहे हो बेटा, तुम नहीं पहचानोगे क्योंकि हम तुम्हारी माँ के व्हाट्सएप फ्रेंड हैं। एक ने बोला, क्या व्हाट्सएप फ्रेंड? चिंता छोड़ो, उसे अब अचानक से अपनी मां पर गुस्सा आया। 58 नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। नाम के इस ग्रुप में 7 साल व इससे ज्यादा उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े हर मेंबर को उसमें रोज एक मैसेज भर की अपनी उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य होती है, साथ ही अपने आसपास के बुजुर्गों को इसमें जोड़ने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। महीने में एक दिन हम सब किसी पार्क में मिलने का भी प्रोग्राम बनाते हैं। जिस किसी दिन कोई भी मेंबर मैसेज नहीं भेजता है तो उस दिन उससे लिंक लोगों द्वारा उसके घर पर उसके हाल चाल का पता लगाया जाता है। आज सुबह तुम्हारी माँ का मैसेज ना आने पर हम दो लोग उनके घर पहुंच गए। वह गंभीरता से सुन रहा था, पर माँ ने तो कभी नहीं बताया। उसने धीरे से कहा, माँ से अंतिम बार तुमने कब बात की थी बेटा, क्या तुम्हें याद है? एक ने पूछा। बिजनेस में उलझा 30 मिनट की दूरी पर बने माँ के घर जाने का समय निकालना कितना मुश्किल बन गया था उसके लिए। खुद उसने हाँ पिछली दिवाली को ही तो मिला था वह उनसे गिफ्ट देने के नाम पर। बुजुर्ग बोले, बेटा तुम सबकी दी हुई सुख सुविधा के बीच अब कोई और माँ या बाप अकेले घर में कंकाल ना बन जाए। बस यही सोच के ये ग्रुप बनाया है हमने, वरना दीवारों से बात करने की तो हम सबको आदत पड़ चुकी थी। उसके सर पर हाथ फेर कर दोनों बुजुर्ग अस्पताल से बाहर की ओर निकल पड़े। नवयुवक एक टक उनको जाते हुए देखता ही रह गया। अगर ये आपको कुछ सीख दे तो कृपया किसी और को भी भेजने में संकोच ना करें। धन्यवाद।